आपको लग रहा है कि आपके अंदर ताकत बढ़ गई, तो इसको ऊपर उठाने के बाद एक एक रोटेशन। जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त बलवीर सिंह, स्वागत है आपका क्षत्रिय प्रणाम के अगले अभ्यास में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्षत्रिय प्रणाम के कुछ ऐसे अभ्यास जो आपके अपर चेस्ट और शोल्डर के लिए बहुत ही कारगर होंगे, प्लस आपके लंग्स में इसका बहुत अच्छा सारा असर होगा। जैसे कि मैं हमेशा कहते रहता हूँ दोस्तों, क्षत्रिय प्रणाम ऐसा अभ्यास है जिसके कारण आपके ऑर्गन्स प्लस मसल डेवलपमेंट, तो मसल डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देंगे अपन, साथ ही साथ स्वास्थ्य अपने को अच्छा रखना है, इसीलिए अपने ऑर्गन्स पे भी इसका असर अच्छे से अच्छा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा आपको, कभी भी आप कुछ भी अभ्यास कीजिए, सबसे पहले लंगोट पहनना बहुत ज़रूरी, उसके बाद आपके बॉडी के अंदर हीट आना यानी थोड़ा सा वार्म अप अच्छा कर लीजिए, उसी के बाद ही आप कुछ भी अभ्यास, क्षत्रिय प्रणाम, योगा या जो भी आप अभ्यास करते हैं आपको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, उसी के बाद ही अभ्यास शुरू करिए। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में शुरुआत अपने को करना है समतोलामुखी और मुद्गल दोनों। इसके अंदर कई सारी जगहों पर मैं देखता हूँ कि मुद्गल लेके बस एक ही स्टाइल घुमाते रहते हैं, ये ले लिए घुमा ले लिए। ऐसे कई सारे अभ्यास है दोस्तों जिसे आज वेस्टर्न कल्चर में जिम बताकर वो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे, समतोलामुखी को डंबल कर दिए, अपने समतोला को बारबेल कर दिए। खैर अपने से सीख रहे वो लोग, अपने से ही सीखे और आगे भी अपने ही अभ्यासों को वो लोग अपना रहे। खुशी की बात है, हिंदुस्तान का कल्चर दुनिया के कोने तक पहुंच रहा है, लेकिन क्रेडिट वो लोग ले रहे जो कि गलत बात है। तो ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। दोस्तों शुरुआत आपको हमेशा छोटे वेट से करना है, छोटे समतोलामुखी से करना है, जिसके अंदर में ये 2 से 3 किलो के समतोलामुखी पर्याप्त है। जिसके अंदर पहला अभ्यास रहेगा आपका, आपके हाथों को ऐसा थोड़ा दूरी पर फैला कर श्वास खींचते हुए ऊपर आने के बाद कुंभक, आपके पास जितनी शक्ति है उतनी शक्ति का आप कुंभक लगाइए। श्वास अच्छे से अपने फेफड़ों में भरकर इसको ऊपर आने के बाद कुंभक, जिससे आपका शोल्डर, फ्रंट शोल्डर और आपका अपर चेस्ट यानी वक्षस्थल और आपके कंधे मजबूत होंगे। ये देखिए, जब आप ऊपर ला रहे हैं, ऊपर लाने के बाद इसको कुंभक में बहुत ताकत है दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके उतना आप कुंभक लगाइए। जैसे श्वास खींचने के लिए आप 2 सेकंड का टाइम ले रहे हैं, श्वास छोड़ने के लिए 1 सेकंड का टाइम ले रहे, तो आपको 4 सेकंड तक कुंभक में होल्ड करना है, इतना कुंभक का पावर। और कुंभक से ही आप भारी से भारी वजन उठा सकते हैं और कई अद्भुत कार्य कर सकते हैं। तो देखिए ये थोड़ा कठिन बनाने के लिए मैं थोड़ा हेवी वेट उठाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा हेवी समतोलामुखी, काफ़ी अच्छा खासा फर्क आपके कमर पे भी गिरेगा इससे। ये देखिए, इसको थोड़ा और कठिन बनाएंगे दोस्तों, इसको थोड़ा और कठिन बनाने के दोस्तों मैं काफ़ी अच्छे खासे भारी समतोलामुखी लिया हूँ। पारंगत होने के बाद ही आप इसका इस्तेमाल करिए। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपके कंधों पर और आपके वक्षस्थल पर इससे गिरेगा वजन असरदार बहुत ही। दोस्तों ये खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। क्षत्रिय प्रणाम मामूली प्रणाम नहीं है। तो दोस्तों ये था पहला अभ्यास। इसी अभ्यास को आप मुद्गर से कैसा करना, जब आपके पास अच्छा खासा बल आ जाए तभी आप मुद्गर की ओर बढ़िए, क्योंकि इसके अंदर आपका बैलेंस और फोकस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता, स्टैमिना की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती। तो दोस्तों ये थोड़े कम साइज़ के मुद्गर
और स्पेशली ये बेंगलोर के हमारे रमन जी बोल करे, उनकी फरमाइश थी कि थोड़ा सा यूज़ करके दीजिए, बजरंगबली का आशीर्वाद मिलाकर दीजिए, तो इसकी पूजा हम किए, उसका भी वीडियो जल्दी डालूँगा। और देखिए रमन जी, स्पेशली आपके लिए आपका मुद्गर मैं हाथ लगा के इसको इस्तेमाल करके आपके पास भेजूँगा। तो दोस्तों, इसमें करना है आपको, पकड़ना है सबसे पहली बात ये, जब आप इसको ऐसा पकड़ रहे, जब आप इसको ऐसा पकड़ रहे हैं तो सबसे पहले आपके एल्बो के अंदर कई सारा प्रेशर गिरेगा, जिससे आपका फोरआर्म्स के अंदर बहुत ज़्यादा बल लगेगा और साथ ही साथ आपकी कलाइयाँ मजबूत होंगी। तो ये पोजीशन में पकड़ने के बाद इसको ये उठाना है। ये हो गया इसका पहला अभ्यास, श्रुति प्रणाम का पालन करते हुए। अगर आप में ताकत है, आपको लग रहा है कि आपके अंदर ताकत बढ़ गई, तो इसको ऊपर उठाने के बाद एक एक रोटेशन ऐसा कुंभक लगाकर यह अभ्यास, आइए बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे अभ्यास के लिए, जिसके अंदर सेम आपका वक्षस्थल और आपके कंधे मजबूत होंगे। इसके अंदर आपको कुछ इस प्रकार से उठाना है, जब आपके हाथ ऊपर जा रहे, श्वास भरी आपके फेफड़ों में, अच्छा ऊपर लगाने के बाद कुंभक वापिस से ऐसा, जितनी देर हो सके उतना आराम से कुंभक का प्रयास कीजिए ऊपर आने के बाद। थोड़ा हेवी समतोला मुखी, अच्छा खासा बल लगेगा आपके कंधों पर और आपके वक्षस्थल पर, बहुत ताकत लगेगी, बहुत पावर आने वाला है। दोस्तों, ठंडकाले के दिन चल रहे, लेकिन हमारे हैदराबाद में और यानी हमारे तेलंगाना में और आंध्रा में अच्छी खासी बारिश हो रही। ठंडकाला और बारिश ऐसा मौसम है दोस्तों, जिसके अंदर आपको अपार बल मिलता, आप कुछ भी खा रहे हैं आपको जल्दी से डाइजेस्ट होता, मसल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है इसमें। तो इस मौसम का मज़ा लीजिए और इसको देर तक सोकर ज़ाया मत कीजिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आइए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर, लेकिन उससे पहले इसको मुद्गर से कैसा करना वो देखिए आप। पोजीशन इसका ऐसा रहेगा दोस्तों, ये श्वास खींचते हुए आपकी जंघों तक वापिस हाथ, जितनी देर हो सके उतनी देर ऊपर कुंभक लगाने का प्रयास कीजिए। यकीन मानिए समतोला मुखी से इसका प्रभाव अलग पड़ेगा और मुद्गर से आपका इतना वाला हिस्सा एकदम पत्थर की जैसा हो जाएगा, यानी इतना बल आ जाएगा, इसके ऊपर कोई लाठी भी मारेंगे तो लाठी टूट जाएंगे, आपके हाथ को कुछ भी नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास बहुत ही मामूली, जिसके अंदर समतोला मुखी आपको दोनों मिलाकर श्वास खींचते हुए ऊपर उठाना है, कुछ इस तरह का से। थोड़ा हेवी से, यकीन मानिए दोस्तों बहुत ज़्यादा पावर लगेगा, कमर के ऊपर आपके अच्छा खासा बल गिरेगा और आपके कंधे जैसे बैल का खुर आता ऊपर बिल्कुल उसी तरह के हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं और हैवी समतोला मुखी की ओर। ये देखिए दोस्तों कुछ ज़्यादा ही हैवी, इसको भी इस प्रकार से करना है।
अब इसको मुदगर से करके बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहले अभ्यास में अपन इसको ऐसा उठाए थे, लेकिन इस बार इसको जॉइंट करना है और इस प्रकार उठाना है। ध्यान रखिए कि मुदगर दूर ना हो, यानी ऐसा ना हो, ये जॉइंट रहना ये। तो दोस्तों, ये थे समतोला मुखी के और मुदगर के, आपके अपर चेस्ट और आपके शोल्डर के कुछ कठिन अभ्यास, साथ ही साथ आपके लंग्स के लिए, आपकी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास। दोस्तों, हम चाहते हैं कि भारतवर्ष में कोई भी कमज़ोर नहीं रहना, कोई भी निर्मल नहीं रहना, हर कोई स्वस्थ और बलवान रहना, यह हमारी ऐसी ख्वाहिश है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल।